हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं कैप्टन मिलर इस मूवी का फोर डे आलोचन लेकर, बात करेंगे आयलान इस मूवी का फोर डे आलोचन लेकर। आप लोग जानते हैं कैप्टन मिलर जो धनुष सर के फिल्म है, शिवराज कुमार सर के फिल्म है, पॉजिटिव नहीं मिक्स रिव्यू से पूरे वर्ल्ड मार्केट में रिलीज हुआ, जिसके वजह से मूवी का कलेक्शन उतना भी बढ़िया नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कैप्टन मिलर का लाइफ टाइम कलेक्शन सब लोग सोच रहे थे यह धनुष सर के फर्स्ट फिल्म होगा जो 200 करोड़ प्लस बिजनेस करेगा, लेकिन अब नहीं लगता कि मूवी 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर पाएगा। जहां पर आयलन को पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू मिला, मूवी बॉक्स ऑफिस में रेकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करने का पॉसिबिलिटी है। लाइफ टाइम में मूवी 100 से 150 करोड़ प्लस बिजनेस करेगा। शिवा कार्तिकेयन सर के कैरियर में कोई भी फिल्म 150 करोड़ प्लस बिजनेस नहीं किया, जिसके वजह से आयलन अगर लाइफ टाइम में अच्छी कलेक्शन करे तो हमें लगता है ये एक बढ़िया बात होगी। बात करेंगे इन दोनों में लक्ष्मण लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल को। बात करें कैप्टन मिलर को लेकर, इसमें का बजट है 60 करोड़ रुपीस। लीडर में है सुपरस्टार धनुष सर, शिवराज कुमार सर। सबने फोर डे कंप्लीट किया है। कैप्टन मिलर को पूरी तरह से पॉजिटिव रिव्यू मिला है। हमें एक्सपेक्टेशन है मूवी लाइफ टाइम में बढ़िया कलेक्शन करे। हमें जैसे एक्सपेक्ट था मूवी उतना पैसा तो नहीं कमा पाएगा, लेकिन मूवी 120 से 150 करोड़ प्लस बिजनेस कलेक्शन करने का पॉसिबिलिटी है। अपने फोर डे में तमिलनाडु सेशन के 8.50 लाख, कर्नाटक सेशन के 3.50 लाख, सोर्स मार्केट सेशन के 3.80 लाख, वॉलेट मार्केट सेशन के 16.50 लाख, 63 करोड़ रुपीस। आपने अभी तक कैप्टन मिलर नहीं देखा, देख लेना सुपरस्टार धनुष सर एंड शिवराज कुमार सर के कैप्टन मिलर कैसा लगा, मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, कौन बता सकते हैं। अब बात करें आयलन को लेकर, इसमें का बजट है 30 करोड़ रुपीज। लीडर में है शिवा कार्तिकेयन सर। सबने फोर डे कंप्लीट किया है। आप लोग जानते हैं शिवा कार्तिकेयन सर कितने बड़े एक्टर हैं, उनका कितना बड़ा फैन बेस तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के दर्शक तमिलनाडु के फैमिली जॉनसन को सपोर्ट करते हैं। लाइफ टाइम में आयलन का कलेक्शन 150 करोड़ प्लस हो सकता है। मूवी लॉन्ग टाइम रन करेगा, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित होगा इंडियन मार्केट में। अपने फोर डे में तमिलनाडु सेशन के 8.90 लाख, और मार्केट सेशन के 2.60 लाख, वाला मार्केट सेशन के 13 करोड़ रुपीज, टोटल क्वेश्चन है 40 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक आयलन नहीं देखा, देख लेना। शिवा कार्तिकेयन सर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है तमिलनाडु के। पोंगल में उनके आयलन को अच्छे रिव्यू मिला। मूवी बॉक्स ऑफिस में 150 करोड़ प्लस बिजनेस पक्का करेगा। लो बजट वाली ये फिल्म बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर या मेगा ब्लॉकबस्टर होने का पॉसिबिलिटी रखता है। धन्यवाद।